नमस्कार दोस्तों, सभी अंतरिक्ष प्रेमियों, चंद्रमा की रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए और हम आकर्षक खोजों और चंद्र अन्वेषण से भरी इस साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल जरूर प्रेस करें और साथ ही कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हम सब कई बार आसमान की ओर चारों तरफ तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं, कभी सप्तर्षि तारामंडल तो कभी ध्रुव तारा, या फिर कभी हम सौरमंडल के ग्रहों को खोजने लगते हैं। जब हमें कुछ नहीं दिखता है तो हमारी नज़र हमारे चांद पर चली जाती है, लेकिन चांद को देखने पर बहुत से ख्याल आते हैं। कभी हमारी माँ चंदा मामा की लोरी गाती है, या फिर चांद को देखकर प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचता है और शायर अपने प्यार और प्रेमिका की खूबसूरती की तुलना अक्सर चांद से करते आए हैं। क्या हमारा चांद ऐसा है जैसे हम कल्पना करते हैं? जैसे जैसे युग बीतते गए, मनुष्य पृथ्वी पर विकसित होते गए और जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ चंद्रमा की ओर देखने लगे। ऐसा माना जाता है कि हमारा चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमारे पृथ्वी का चांद का जन्म कैसे हुआ? हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरी दी है। उनमें से एक थ्योरी ये है जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, मतलब कि विशाल प्रभाव परिकल्पना। ऐसी परिकल्पना है कि थिया नामक मंगल के आकार का ग्रह लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। ऐसा माना जाता है कि इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा की संरचना पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती है, जिससे पता चलता है कि ये उन चीज़ों से बना है जो प्रभाव के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकली थी। इस टकराव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुक गई, जिससे ऋतुएं उत्पन्न हुई। सौरमंडल के अन्य चट्टानी पिंडों की तुलना में चंद्रमा का डेंसिटी बहुत कम है, जिससे पता चलता है कि ये पिघली हुई अवस्था से बना है। जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस चंद्रमा के निर्माण के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। हालांकि अन्य थ्योरी भी हैं, जैसे कि कैप्चर थ्योरी, फ्यूजन थ्योरी और को फॉर्मेशन थ्योरी, जो अभी भी विचाराधीन है। कैप्चर थ्योरी क्या होती है? इस थ्योरी में चंद्रमा सौरमंडल में कहीं और बना और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया। हालांकि ऐसे ऑर्बिटर चंद्रमा की तरह गोलाकार पिंड होने के बजाय अक्सर अजीब आकार के होते हैं। अगला फ्यूजन थ्योरी, ये सिद्धांत कहता है कि चंद्रमा का निर्माण तब हुआ जब शुरुआत में पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसने अपना एक बड़ा टुकड़ा बाहर फेंक दिया और चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया। को फॉर्मेशन थ्योरी, पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक ही समय में प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क से हुआ, जो कि प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क धूल और गैस की एक घूमने वाली डिस्क है जो एक डेवलपिंग सौरमंडल के कोर को घेरे रहती है। विशाल प्रभाव परिकल्पना का प्रारंभिक सौरमंडल की हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक बहुत ही हिंसक घटना से हुआ था और सौरमंडल में अन्य ग्रहों और चंद्रमा भी इसी तरह से बने होंगे। हमारे सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा पृथ्वी चंद्रमा है। चंद्रमा का डायमीटर 3475 किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्रों के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी का व्यास का लगभग 30 गुना है। इसका मतलब ये है कि सौरमंडल में अन्य चंद्रमाओं की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब है। उदाहरण के लिए बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड बृहस्पति के व्यास का लगभग 67 गुना है और शनि का चंद्रमा टाइटन शनि का व्यास का लगभग 22 गुना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा में एक आंतरिक और बाहरी कोर है जो कि आयरन और निकल से बना है, और वहीं मेंटल और क्रस्ट में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 2 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की सतह
भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय थी और समुद्र और मैग्मा से ढकी हुई थी। आज के समय पानी और बर्फ के अलावा चंद्रमा की सतह भी धूल और चट्टान की परत से ढकी हुई है, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। रेगोलिथ का निर्माण चंद्रमा की सतह पर सूक्ष्म उल्का पिंडों और कॉस्मिक किरणों द्वारा लगातार बमबारी से होता है। हालांकि माना जाता है कि चंद्रमा का महासागर यदि अस्तित्व में था तो अरबों साल पहले वाष्पित हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के पास सूर्य के रेडिएशन से बचाने के लिए कोई वातावरण नहीं है। वायुमंडल के बिना चंद्रमा की सतह पर पानी वाष्पित हो जाता है और अंतरिक्ष में चला जाता है। हालांकि चंद्रमा की सतह अभी भी अध्ययन के लिए एक आकर्षक जगह है। ये हमें चंद्रमा के निर्माण और इतिहास के बारे में बता सकता है और ये हमें ऐसे संसाधन भी प्रदान कर सकता है जिनका उपयोग भविष्य के मानव खोजकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। क्या चांद पर जीवन संभव है? वैज्ञानिकों के अध्ययन से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि चांद पर जीवन है या नहीं। हालांकि कुछ सबूतों से पता चलता है कि चांद पर जीवन के अस्तित्व की संभावना हो सकती है। चांद पर पानी की खोज की गई है जो जीवन के लिए आवश्यक है। पानी चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पाया जाता है और ये चंद्रमा के अंदर भी हो सकता है। पानी के अलावा चांद पर अन्य चीजें भी हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चांद के जीवन के अस्तित्व के खिलाफ भी कुछ सबूत हैं। चंद्रमा पर जीवन के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है। चांद पर कोई वातावरण नहीं होने के चलते यहाँ हवा भी नहीं चलती है। यही वजह है कि कई सालों तक एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान मिटते नहीं हैं और इसका वातावरण बहुत पतला है। चांद पर रेडिएशन भी बहुत अधिक है जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर चांद पर जीवन पाया जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण खोज होगी। ये हमें जीवन के बारे में हमारी समझ को बदल देगा और ये दिखाएगा कि जीवन पृथ्वी के अलावा अन्य जगहों पर भी मौजूद हो सकता है। हम मून की खोज के बारे में दूर से समझते थे। जैसे जैसे युग बीतते गए, मनुष्य पृथ्वी पर विकसित होते गए और जिज्ञासा और आश्चर्य के साथ चंद्रमा की ओर देखने लगे। 20वीं सदी के मध्य में अंतरिक्ष युग का जन्म हुआ और चंद्रमा तक पहुंचने की दौड़ शुरू हुई। अपोलो कार्यक्रम नासा द्वारा चलाया गया 1968 से 1972 तक। इस मिशन में बहुत सी कठिनाइयां आई। पहला अपोलो मिशन की एक त्रासदी थी। 27 जनवरी 1967 को प्री लॉन्च परीक्षण के दौरान अपोलो 1 अंतरिक्ष यान के अंदर आग लगने से अंतरिक्ष यात्री वर्जिल आई ग्रिसॉम, एडवर्ड एच वाइट और रॉजर बी चौफी की मौत हो गई। 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और ब्रज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। वह अपोलो 11 के चालक दल का हिस्सा थे। अपोलो 11 टीम ने चंद्रमा की सतह के भौतिकीय और खगोलीय गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने चंद्रमा की चट्टानों, मिट्टी और वायुमंडल का अध्ययन करके इसके संरचना और इतिहास को समझने में मदद की। ये मिशन मानवता के लिए एक बड़ा कदम था और इसने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया युग शुरू हुआ। तो अगली बार जब आप चंद्रमा को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक सुंदर रात की रोशनी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय नाटक का उत्तरजीवी है जो अरबों साल पहले सामने आया था। चंद्रमा का निर्माण दुर्घटनाओं, भंवरों और ब्रह्मांडीय निर्माण की एक खगोलीय कहानी है जिसने एक अराजक टकराव को शांत और परिचित दृश्य में बदल दिया, जिसे हम आज देखते हैं। पृथ्वी की सतह से हम चंद्रमा की रोशनी के 8 अलग अलग फेजेस दिखते हैं। सबसे पहले न्यू मून, जिसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है और उसका अप्रकाशित भाग हमारी ओर होता है। ये नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। वैक्सिंग क्रिसेंट तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य से दूर जाना शुरू कर देता है। सूर्य अस्त के बाद चंद्रमा के प्रकाशित भाग का एक पतला अर्ध चंद्र पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। तीसरा फर्स्ट क्वार्टर, पहली तिमाही,
तब होती है जब चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा के बीच आधा होता है। चंद्रमा का आधा प्रकाशित भाग सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। वैक्सिंग गिब्बस, वैक्सिंग गिब्बस तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और पूर्णिमा के करीब आता है। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा का अधिकाधिक प्रकाशित भाग पश्चिम आकाश में दिखाई देने लगता है। फुल मून, पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा आकाश में सूर्य के विपरीत होता है। इसका पूरा प्रकाशित भाग हमारी ओर है और ये पूरी रात दिखाई देता है। वैनिंग गिब्बस तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पूर्णिमा से दूर जाना शुरू कर देता है। सूर्य उदय से पहले पूर्वी आकाश में चंद्रमा का प्रकाशित भाग कम और कम दिखाई देने लगता है। थर्ड क्वार्टर, तीसरी तिमाही तब होती है जब चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या के बीच होता है। चंद्रमा का आधा प्रकाशित भाग सूर्य उदय से पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। वैनिंग क्रीसेंट, घटता हुआ अंधचंद्रकार तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और अमावस्या के करीब आता है। सूर्य उदय से पहले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का एक पतला अर्धचंद्र पूर्वी आकाश में दिखाई देने लगता है। चंद्रमा के स्टेप्स हर 29.5 दिन में दोहराए जाते हैं, जो चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाला समय है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ को बढ़ाया होगा। इस वीडियो से चंद्रमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देगा और हमारी सांसारिक सीमाओं से परे अन्वेषण को प्रेरित करेगा। हमारा चंद्र अभियान समाप्त होना चाहिए। दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले ही नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके आप अपना सजेशन भी बता सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।